हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं आपको करवाऊंगा चैप्टर 7 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, वो क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर आएंगे, जिनके एग्जाम में आने के 99% चांसेस हैं, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। तो प्रत्येक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कॉमेंट करना। और हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। पहले 5 क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स एक्स से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। माना अनुपात है के अनुपात एक। माना अनुपात है के अनुपात एक। वह अनुपात है जिसमें इन बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स एक्स से विभाजित होता है। ये ए है एक माइनस पांच, और ये है बी माइनस चार पांच। इन दो बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो एक्स एक्स से विभाजित होता है। ये एक्स एक्स से जहां पर विभाजित होगा, जिस बिंदु पर विभाजित होगा, हम मान लेते हैं वो बिंदु है P, तो उस P बिंदु के निर्देशांक होंगे x और 0। क्यों? क्योंकि x x से विभाजित होता है, तो x x के ऊपर y का मान क्या होता है? 0। बिंदु P इस रेखाखंड को k अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो विभाजन सूत्र से x बराबर होगा k गुणा माइनस चार, माइनस चार के जमा एक गुणा एक, एक बटे k जमा एक अनुपात का जोड़। ये हो जाएगा x का मान। अब निकालेंगे y का मान। y यहाँ पर क्या है? यहाँ पर y जो है हमारा जीरो है, क्योंकि x x के ऊपर y निर्देशांक जीरो होता है। तो जीरो बराबर k गुणा पांच, पांच के दोबारा से विभाजन सूत्र लगाएंगे, जमा एक गुणा माइनस पांच, माइनस पांच बटे के जमा एक। यहां से हम सोल्व करेंगे इसको, के का मान निकाल लेंगे, आर पर गुणा कर देंगे। आर पर गुणा करने पर ये हो जाएगा पांच के घटा पांच बराबर जीरो गुणा के जमा एक, जीरो। और यहां से पांच के बराबर पांच और k बराबर एक, k का मान आया हमारे पास एक। तो अनुपात हो जाएगा k अनुपात एक या एक अनुपात एक। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बिंदु P है वो AB को एक अनुपात एक में विभाजित करता है। हमें इस विभाजन बिंदु के P बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। इसका एक निर्देशांक है जीरो और हमें एक्स निर्देशांक है वो निकालना है। वो यहां से आ जाएगा एक्स बराबर है माइनस चार गुणा के का मान है एक, जमा एक बटे के जमा एक, एक जमा एक, माइनस चार जमा एक बटे दो, माइनस तीन बटे दो। तो इस बिंदु के विभाजन बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे माइनस तीन बटे दो और जीरो। सेवंथ क्वेश्चन है, यदि बिंदु एक दो चार वाई एक्स छह और तीन पांच इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। हमने यहां पर एक समांतर चतुर्भुज बना लिया, नाम दे दिया बिंदुओं को ए बी सी और डी। यहां पर हमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो यहां पर क्या करेंगे, हम इनके विकर्णों को मिला देते हैं। ये विकर्ण AC है और ये विकर्ण BD है। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं, या कह सकते हैं कि AC विकर्ण और BD विकर्ण एक दूसरे को बीचों बीच काटेंगे। AC का जो मध्य बिंदु होगा वही BD का मध्य बिंदु होगा। यह कह सकते हैं कि AC और BD दोनों के मध्य बिंदु क्या होंगे, एक जगह पर होंगे। यहाँ पर हम AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे और फिर BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे, दोनों को बराबर रख देंगे। तो AC का मध्य बिंदु है O
तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? विभाजन सूत्र से हम कह सकते हैं कि विकर्ण AC व DD का मध्य बिंदु एक ही होगा या समान होगा, इसलिए इस मध्य बिंदु के निर्देशांक समान होंगे। यहां से हम AC विकर्ण के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। मध्य बिंदु हमने मान लिया O, तो O के निर्देशांक हो जाएंगे यहाँ पर x निर्देशांक हो जाएगा 1 जमा x या x जमा 1 बटे 2, क्योंकि ये इसको मध्य बिंदु पे काटता है, तो अनुपात होगा 1:1। तो विभाजन सूत्र से हमारे पास आएगा x जमा 1 बटे 2, और इसका y निर्देशांक हो जाएगा 2 जमा 6 बटे 1 जमा 1 2। ये आ जाएगा x जमा 1 बटे 2, 8/2, 4। इसी प्रकार निकालेंगे हम BD विकर्ण के लिए। BD विकर्ण के लिए O के निर्देशांक यहां पर निकाले हमने AC विकर्ण के लिए, क्योंकि दोनों के लिए बिंदु O है वो समान है। 4 जमा 3 बटे 2 और y जमा 5 बटे 2, क्योंकि इसके लिए अनुपात क्या है, 1:1। ये हो जाएगा 7/2 और y जमा 5/2। ये जो निर्देशांक है ये भी बिंदु O के हैं और ये भी बिंदु O के निर्देशांक हैं, तो x निर्देशांक x के बराबर होगा और y निर्देशांक के बराबर होगा। तो यहां से हम रख देंगे x जमा 1 बटे 2 बराबर 7/2 और y जमा 5 बटे 2 बराबर 4 के। x x के बराबर होगा, y y के बराबर। हल करेंगे इसको, 2x जमा 2 बराबर 14, यहां से 2x आ जाएगा 12 और x बराबर 6। इसी प्रकार यहां से y जमा 5 r पर गुणा करेंगे 8 के बराबर और y हो जाएगा 3 के बराबर, तो x का मान 6 और y का मान 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा B के निर्देशांक 1-4 है। हमने एक वृत्त लिया, यहां पर AB इसका व्यास है, केंद्र से हो जाएगा इस तरह से, ये A मान लिया हमने और इसको मान लिया B, ये केंद्र है O। अब हमें यहाँ पर दिया हुआ क्या है कि केंद्र है जो, उसके निर्देशांक है 2-3, ये O है, इसके निर्देशांक -2 और 3 है। B के निर्देशांक दे रखे हैं हमें 1 और 4, A के हमें निर्देशांक बताने हैं, तो हम A के निर्देशांक मान लेते हैं x और y, A के जो निर्देशांक है वो x और y है, तो हम x और y का मान निकालेंगे। अब क्योंकि ए बी वृत्त का व्यास है और ओ इसका केंद्र है, ओ केंद्र है तो ओ ए बी के बिल्कुल बीच में होगा, क्योंकि केंद्र होता है वो व्यास के बिल्कुल बीच में होता है, व्यास का मध्य बिंदु होता है, तो ओ इस ए बी व्यास का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर हम मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए हमारे पास है विभाजन सूत्र, या तो हम अनुपात 1 लेकर के विभाजन सूत्र से निकाल सकते हैं, या फिर सीधा निकाल सकते हैं हम मध्य बिंदु के निर्देशांक, x x को जोड़ के 2 से भाग कर दो और y y को जोड़ करके 2 से भाग कर दो। जैसे यहाँ पर x निर्देशांक है, इसका x है 1, इन दोनों को जोड़ो इसका आधा करो, फिर y वाले निर्देशांक है जो, इसको और इसको जोड़ो उसका आधा करो, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। ओ ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए इसका जो निर्देशांक है x निर्देशांक वो बराबर हो जाएगा x जमा 1/2 के। इसी प्रकार इसका जो y निर्देशांक है -3, वो बराबर होगा y जमा 4/2।
ये हम निकाले मध्य बिंदु के निर्देशांक, एक्स एक्स को जोड़ के 2 से भाग कर दो और वाई वाई को जोड़ के 2 से भाग, तो एक्स और वाई मध्य बिंदु के एक्स और वाई निर्देशांक आ जाएंगे। इसको हल करेंगे यहाँ से, एक्स जमा एक बराबर होगा 4 के और एक्स बराबर हो जाएगा 4 घटा 1 3। इसी प्रकार यहाँ से वाई जमा 4 बराबर होगा -6 और वाई बराबर हो जाएगा -6 -4 -10। तो एक्स और वाई के मान निकाल लिए हमने, तो बिंदु ए था हमारा, उसके निर्देशांक हो जाएंगे, एक्स निर्देशांक है 3 और वाई निर्देशांक है -10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु सरेखीय हो। हमें बिंदु दे रखे हैं, इनको हमने ए बी सी मान लिया। अब हमें दिखाना है कि तीनों बिंदु क्या सरेखीय है। सरेखीय का मतलब होता है एक ही रेखा में, यानी तीनों बिंदु इस तरह से हो, इसके ऊपर ही हो ये, और इस तरह से कहीं पर भी तीनों एक ही रेखा में। इसको हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र से करेंगे। देखो, अगर ये तीनों बिंदु सरेखीय हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0, क्योंकि बिंदु सरेखीय है तो त्रिभुज बनेगी नहीं, तो त्रिभुज अगर बनेगी नहीं तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 0। तो यहाँ पर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे और उसको बराबर रख देंगे 0 के। क्यों? क्योंकि तीनों बिंदु क्या हैं? सरेखीय, इसलिए 1/2 x1 गुणा y2 घटा y3 जमा x2 y3 घटा y1 जमा x3 y1 घटा y2 बराबर होगा 0 के। ये हमारे पास है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0, क्योंकि तीनों बिंदु क्या है? संरेखीय है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 0। हमने क्षेत्रफल को 0 के बराबर रख दिया। अब इनके अंदर हम निर्देशांक के मान रखेंगे, 1/2 x1, x1 है यहाँ पर 8, गुना y2 घटा y3। y2 यानी देते हैं, ये है x1, ये y1, x2 y2, x3 y3। तो y2 घटा y3, y2 है घटा के 4, y3 है घटा के 5 जमा x2 है k गुणा y3 है घटा 5 घटा y1 है 1 जमा x3 है 2 गुणा y1 है 1 घटा y2 है हमारा घटा के 4 बराबर 0 के। अब करेंगे इसको, घटा 4 जमा 5 ये आएगा 1 जमा के, घटा 5 घटा 1 6 घटा के जमा 2, 1 घटा घटा 4 ये हो जाएगा 5, 1 और 4 5 बराबर 0। यहां से 1/2 8 घटा 6 के जमा 10 बराबर होगा 0 के। ये कह सकते हैं यहां से हम, और यहां से माइनस के 6 के बराबर -18, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 के बराबर 18 और के बराबर 18/6 3। तो के का मान हो जाएगा 3।